हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजोरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है 2a, यानी सेंटर से किसी भी एक चार्ज के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं a। ये वाली डिस्टेंस भी a होगी और ये वाली डिस्टेंस भी यहाँ पे a रहेगी। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन मानी जाती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब मान लेते हैं कि आपको इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि हम इन दोनों चार्जेस की वजह से इस ए पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। इससे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम नेगेटिव चार्ज की पॉइंट ए से डिस्टेंस देख लेते हैं। ये डिस्टेंस होगी r प्लस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है तो टोटल डिस्टेंस होगी r प्लस ए। अब किसी भी चार्ज की वजह से अगर उससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है k q बाई r स्क्वायर। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट a के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको लिखा जा सकता है e माइनस q इक्वल्स टू k q बाई r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस r प्लस a है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, तो फॉर्मूला लिखा जाएगा के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से हम इस पॉजिटिव चार्ज की ए पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस आर है, इसमें से ये ए माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी आर माइनस ए। तो इस पॉजिटिव चार्ज का ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखा जाएगा ई प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी इनवर्ड होता है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है, यानी इससे बाहर की तरफ आएगा। तो ये हो गया ई प्लस क्यू। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा। और साथ ही आप देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट के ज़्यादा पास है, इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कंपेरिजन में कम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई इक्वल्स टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अब अगर इनकी वैल्यूज़ अपन पुट करें तो ये आएगा के क्यू, इन दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं, तो के क्यू अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसे लिखा जा सकता है वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करें तो ये आएगा ई इक्वल्स टू के क्यू इन टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इन टू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा के क्यू, अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और ऊपर आएगा देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, और जो r माइनस ए का होल स्क्वायर है वो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर। इस माइनस की वजह से आर स्क्वायर ए स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा टू ए आर, और यहाँ पे जो माइनस टू ए आर था वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस टू ए आर, यानी ये हो गया फोर ए आर। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके लिए क्यू इंटू टू ए को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टू ए को अलग करके क्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा पी और बाकी बचेगा टू आर अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि जो आर डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये टू ए डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, यानी अगर हम ये माने कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए देन वी कैन राइट ई इक्वल्स टू, देखिए अगर
ए स्क्वायर आर स्क्वायर की कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर पावर टू यानी आर पावर फोर, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो ई प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। और साथ ही आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो डायपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए उसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट की डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग होती है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।